हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट ससी। लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? ये स्टेट है आपका केरला। आंसर इज सी। वॉट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SDG 7 रिसेंटली इन न्यूज? इसका ऑब्जेक्टिव है इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। आंसर इज सी। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2030 तक जो हमने SDG के गोल निश्चित किए थे वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कहाँ स्थित है जिस पर ट्रेन का ट्रायल पूरा किया गया? वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट स्टील आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज लोकेटेड ऑन विच द ट्रायल ऑफ द ट्रेन हैज बीन कंप्लीटेड? तो ये कहाँ पे है? ये जम्मू में है। आंसर इज सी। और इसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पे है? 359 मीटर की ऊंचाई पे है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? लंबाई है 1315 मीटर की लंबाई है। ये ऊंचाई है, ये लंबाई है। MIFF में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट MIFF? MIFF का फुल फॉर्म होता है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और ये मिला है किसको? सुब्बैया नल्लामुथु को। आंसर इज ए। व्हाट इज प्लैनेट 9 रिसेंटली सीन इन न्यूज? तो प्लैनेट 9 क्या है? ये है a hypothetical planet in the outer region of our solar system. प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? Which is India's most expensive city for expatriates? तो ये है सबसे महंगी सिटी कौन सी? मुंबई। आंसर इज बी। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जिसका लाइसेंस रद्द किया है वो है पूर्वांचल सहकारी बैंक। वेयर विल द 10th इंटरनेशनल योगा डे 2024 बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 10th एडिशन है इस बार का और ये होगा श्रीनगर में। रिसेंटली विच हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड 1% जॉब रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर्स के लिए 1% जॉब को रिजर्व किया गया है। कहाँ पे? कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा है। हाल ही में फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? व्हाट इज फिच एस्टिमेट ऑफ इंडियाज GDP ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025? तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ग्रोथ रहने का अनुमान है 7.2%। साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाया है, वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? साहिल चौहान हैज रिकॉर्डेड द फास्टेस्ट T20 सेंचुरी, ही प्लेज क्रिकेट फॉर विच कंट्री? तो ये खेलते हैं किसके लिए? एस्टोनिया के लिए। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट व्हाट हैज बीन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंडिया? तो हो गई है ये 172, ये 2024 की है। और 2023 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें हमारी थी कितनी? 164। अब हमने किसको? पाकिस्तान को हरा दिया है, पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास है 170। और सबसे ज़्यादा है किसके पास? रशिया के पास कुल कितना है? 5580। USA के पास कितना है? 5044। ओके, हाल ही में 18वें सांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज ऑनर्ड विद द 18th सांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो सांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसको? निर्माता
सुब्बैया नल्लामुथु को, ये एक वन्य जीव फिल्म निर्माता हैं। हरपाल सिंह बेदी का निधन हो गया है, वह कौन थे? हरपाल सिंह बेदी हैज पास्ड अवे, हु वॉज ही? तो वे थे एक खेल पत्रकार। आंसर इज ए। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? तो नए अध्यक्ष बने हैं कौन? इनका नाम है तेसम पोंगटे, और सीएम कौन है? पेमा खांडू। पेमा खांडू बने हैं सीएम, और अध्यक्ष बने हैं तेसम पोंगटे। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान कहाँ है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज दैट वॉज इन द न्यूज? तो ये है कहाँ पे? ये है हैदराबाद में। हाल ही में किस भारतीय को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? विच इंडियन वॉज अवार्डेड द नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये है विनोद गणात्रा। हाल ही में भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय कौन सा बन गया है? तो ये है असम, और इसी के साथ पहला हरित राज्य सरकार मुख्यालय भी असम बन गया है। हाल ही में किसने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? हु हैज वॉन द मेन्स सिंगल टाइटल एट BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? तो ये है लीजी जिया, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं मलेशिया से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस मनाया गया 16 जून को। वेन वॉज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस सेलिब्रेटेड? तो ये 16 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। रेमिटेंस का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति गया विदेश, विदेश मतलब आउट ऑफ कंट्री गया, और वहाँ से वो अपने परिवार को कुछ पैसे भेजता है, तो उसको कहा जाता है रेमिटेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।